हेलो एंड वेलकम बैक टू फराज ब्लॉग। कैसे आप सब? तो ये देखो, थोड़ा सा ना आपको मैं यहाँ पे जो चल रहा है वो दिखा रही हूँ। पहले दिस फॉर सयान। व्हाट इज इट सयान? ओपन। ओके, wow, this is what you got it for your brother? Oh wow, are you happy? Okay, now my turn. Okay, you open mine. Christmas feeling you guys are giving. Oh my god, that is so nice. Did you go and choose that? This is the ring my son gifted me. Hey guys, welcome to my continuing vlog. ये कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल ना बच्चों के साथ ही थी, खेल रही थी, उन लोगों के साथ बैठे थे। हम लोग ना थोड़ा बिजी हो जाते हैं ना कभी कभी, तो अभी हम लोग आए डेंटिस्ट से। We went to dentist, me and my husband, we had an appointment, we just came home. तो आते ही ना मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, इडली और चटनी। तो ब्रेकफास्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको क्या करना है आज। तो मैं बना रही थी मटन बोनलेस मसाला। बहुत ही सिंपल है। ये इंग्रेडिएंट्स आपको ना ड्राई थोड़ा सॉटे करना है और फिर उसको ना पाउडर बनाना है। और यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है जिसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और मैंने ए 1 बिग ऑनियन कट किया है। सॉटे कर दो। 1 स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दो, अच्छे से सॉटे होने दो ब्राउन। देन यू हैव टू ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपको मसाले डालना है। मसालों में है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नॉर्मल रेड चिली पाउडर भुना हुआ, और हल्दी 1/4 स्पून। ये सब मसाले आपको अच्छे इससे ना सॉटे करना है। और उसके बाद में जो मैंने मटन जो बॉईल किया है प्रेशर कुक में विथ 8 विसल्स, वो आपको डालना है। अच्छे इससे उसको कुक होने, देन यू आर गुड टू सर्व। आई सर्व इट विद द राइस। You can serve it with the chapati or rice, whatever you like it. Thanks for watching.